कौशिक, यस सरताज। मैम। सांभव समझ में आया बेटे? यमक में मैम क्या होता है? रहीमन, मैम रहीमन पानी राखी में तो मैम वो तीन तीन बार आ रहा है पानी शब्द, लेकिन वो श्लेष में काउंट हो रहा है। क्योंकि ना पानी पहले आया ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो पहली लाइन का सुनिएगा, रहीमन रहीमदास जी कह रहे कि पानी को बचा के रखना चाहिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है। तो पहली पंक्ति में तो क्या हुआ, पानी ही हुआ उसका अर्थ। ठीक है, दोनों यस मैम। में पहली दोनों दो बार आया तो दोनों में पानी अर्थ आ रहा। फिर कह रहे पानी गए ना उबरे, फिर उन्होंने कहा पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर पानी के तीन अर्थ हो जाते हैं सेकंड पंक्ति। ओके मैम समझ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर तीन पंक्ति अर्थ हो रहे हैं कि तीनों के लिए अलग आ रहा है। जैसे बताया भी था आपको कि पानी मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा है, मोती यस मैम। के लिए चमक है, और चूने के लिए जल उसका अर्थ होता है। तो बहुत सरल है। यमक तो आप बिल्कुल आसानी से आंख बंद करके पहचान सकते हो। यमक कैसे पहचान लेते हो कि आपको दिखाई दे कि एक से अधिक शब्द दिख रहे हैं, तो पहला तो वही उसका हो जाती है कि एक से सेम शब्द एक से अधिक दिखाई दे रहे हैं, तो वो यमक ही होगा। अब श्लेष में क्या है कि श्लेष में थोड़ा सा कठिनाई है कि अगर आपको शब्द का अर्थ आता है तब तो ठीक है। अब श्लेष में आपको थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हम करवाएंगे, पहचान जाओगे। ठीक है बेटा, संभव। यस, और ओके स्टूडेंट मैम। बाकी जिसने जो डाउट पूछना, आज सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लास है। जिसका जहां पर छूट गया था, क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, या कुछ भी जो हो गया था, यस ऑन योर वीडियो एंड आस्क बेटा, पूछिए। जैसे सांभव ने पूछा ऐसे ही बाकी बच्चे पूछिए, बाकी बच्चे भी पूछिए जिसको जो डाउट है। हाँ मैम जी बेटा, अर्थालंकार एक बार अर्था अलंकार समझा दो। तो मैंने अभी एक ही समझाया था, उपमा है ना। अर्थालंकार, यस अर्थालंकार किसे कहते हैं बेटा? देखिए शब्दालंकार में तो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हुआ। जैसे एक से अधिक बार शब्द आया, हर बार उसका अर्थ अलग हो गया, या एक ही वर्ण बार बार आया, ठीक, या एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले, ये तो शब्दालंकार हो गया। अब अर्थालंकार में क्या है कि शब्दों का चमत्कार नहीं होगा, शब्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अर्थ ही विशेष संदर्भ में प्रयोग होगा। ठीक, जैसे उपमा अलंकार हमने पढ़ा था, मैं सिर्फ उपमा ही आज रिवाइज करवाऊंगी। उपमा, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। ठीक, कई बार आप आपस में कहते हो, जैसे बहुत ठंड हो रही तो आप कहते हो मम्मी मेरे हाथ देखो बर्फ के समान ठंडे हो गए। आप अपने ठंडे हाथों की तुलना किससे करती हो? बर्फ से। बर्फ से। यही उपमा अलंकार है। ठीक है, तो उपमा अलंकार क्या होता है? किसी वस्तु की तुलना उससे अधिक गुण कर्म वाली। अब बर्फ हाथों से भी ज्यादा ठंडी है, यस, तब आपने हाथ ठंडे हाथों की तुलना किससे करी थी? बर्फ से करी थी। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि उससे भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, लेकिन उस वस्तु से की जाती है, उस वस्तु या व्यक्ति से की जाती है जो गुणों में अधिक हो, उस वो ज्यादा उसमें गुण हो। अब गुण मतलब विशेषता से मतलब नहीं है, उसका स्वभाव से मतलब। स्वभाव तो जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडा होना। ठीक है, क्लियर? तो उपमा अलंकार में मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया था, हरिपद कोमल कमल से दिया था। क्या दिया था? हरिपद कोमल कमल से, तो जिसका अर्थ था कि ईश्वर के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है। ठीक, तो हरि के चरणों को किसके समान कोमल बता दिया था? ईश्वर, ईश्वर के समान, सॉरी, ईश्वर के ईश्वर पद, के कमल चरणों को कमल के समान कोमल के बता दिया, समान कोमल। क्योंकि कमल ज्यादा सॉफ्ट होता है, ज्यादा मुलायम होता है। ठीक, अब मैंने एक चीज और बताई थी कि उपमा अलंकार को आप कैसे पहचानोगे, उसमें सा से सी नोट कर लीजिए, जिन बच्चों ने अगर उस दिन छूट गया था, नहीं है क्लास अटेंड कर पाए थे, तो सा से सी सम सदृश सरिस समान, ये शब्द इसमें जुड़े होते हैं। बहुत आसानी से आप पहचान लोगे कि जहां जहां ये शब्द जुड़े होंगे वहां उपमा अलंकार है। क्लियर अनुष्का? यस। एनी अदर स्टूडेंट? पूछिए बेटा, कोई दूसरा बच्चा जिसको डाउट पूछना है, हम यहाँ डाउट क्लियरिंग के लिए आए हैं। प्लीज ऑन योर वीडियो ऑल स्टूडेंट, आलक गोयल, अशप्रीत कौर, ऑल स्टूडेंट ऑन योर वीडियो। यस बेटा, और आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? सरताज, सरताज वगैरह किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? यस,
विवान आप लोग को कोई डाउट नहीं है बेटा? एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम जो आपने कवि का परिचय लिखवाया लिटरेचर में, वो हमें लर्न करना है पूरा? लर्न तो नहीं करना है बेटा, लेकिन एक रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाने से क्या होता है कि एक तो आपके पास शब्द हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा कंटेंट भी हो जाता है, विषय वस्तु भी हो जाती है, कहीं पर आपको आवश्यकता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें से शॉर्ट प्रश्न आते हैं, जैसे भाषा शैली संबंधी प्रश्न आता है, काव्य सौंदर्य भाषागत विशेषताएं आती आती, ठीक है। और अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, पढ़ लोगे तो कोई नुकसान भी नहीं है उसका, है ना, कि हाँ ये थे। यस नॉलेज तो पढ़ेगी, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी नॉलेज रीडिंग करना है। यस, और कोई बच्चा? यस तरुण मिस्ट, आपको कुछ पूछना है? आपकी बहुत सारी क्लासे मिस हुई थी, आपको सब कुछ आता है बेटा? अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बता दूंगी आपको कहाँ तक आना है। जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ बता दूंगी। और पूछिए, मैंने डाउट पूछने के लिए कहा था बेटा आपसे, आपने चैप्टर पूछे। मैंने जो हाँ बोलिए मैं वो अलंकार जो आपने अभी रिपीट किया था, आप फिर से रिपीट कर देंगे? बिल्कुल, पहले आप बताइए तो किसे कहते हैं अलंकार? आपने पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं? ओके सलोनी आप बताओ बेटा किसे कहते हैं अलंकार, इन्हें एक बार बताओ। मैं अभी तुरंत तरुण आपसे पूछूंगी मैं उसके बाद। हाँ हाँ बोलो बेटा। अलंकार वो होते हैं जो किसी कविता के सौंदर्य को और बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहा जाता है। स्टूडेंट वेरी नाइस बेटा, आप लोग वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो ऑफ करिए, देखिए लास्ट में मैं भी मार्क्स भी ऑफ ही कर दूंगी आप लोग के, ठीक है। क्लास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपको मैं ये दिखाऊंगी कि आपके पास आप लोगों ने अटेंड ही नहीं करी है क्लास। यस बेटा बोलिए। समास बहुव्रीहि समास, ओके। पहले ये सलोनी आप फिर से बोलो बेटा, आप क्या बोल रही थी? मैम जो किसी कविता के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, उसको और अच्छा बना देते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। ओके अलंकार कितने भेद होते हैं अलंकार के? थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हो चुकी। हाँ मैम अलंकार के दो भेद होते हैं, एक अर्थालंकार और एक शब्द अलंकार। ओके शब्द अलंकार में पहला अलंकार कौन सा आता है? सरताज। सरताज मैं अनुप्रास। बोलिए बेटा किसे कहते हैं अनुप्रास? मैं अनुप्रास अलंकार मैम उसे कहते हैं जिसमें मैम एक शब्द या वर्ण मैम बार बार आता है पर उसका मीनिंग सेम होता है। उसका मीनिंग वर्ण फिर से बोलिए तो बेटा, एक बार फिर से रिपीट करिए आपने क्या बोला। मैम वह वर्ण जो मैम बार बार आता है और पर उसका मीनिंग सेम रहता है। यहाँ पर मीनिंग का कोई बदली या एक ही वर्ण बार बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार बेटा। एग्जाम्पल सताज ऑन योर वीडियो टेल एग्जाम्पल, उदाहरण देना है सताज। मैम एग्जाम्पल नहीं याद है। ओके किसको याद है एग्जाम्पल, कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि आप तो अलंकार तो बिल्कुल टिप उसमें रहनी चाहिए ना जवान पर की एकदम से बोल सके। यस मैम रघुपति राघव राजा राम। वेरी नाइस वेरी गुड, रघुपति राघव राजा राम। ओके तरुण आपको अलंकार समझ में आया, अर्थ समझ में आया अलंकार का? तरुण बिस्ट यस मैम। किसे कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं? मैं जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है उसे 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 अलंकार कहते हैं। वेरी गुड, अलंकार के कितने भेद है बेटा? दो, अर्थ अलंकार शब्द अलंकार। वेरी गुड, शब्द अलंकार में पहला कौन सा बताया था? वेरी नाइस, पहला कौन सा बताया था अभी सलोनी ने?
सरताज ने अनुप्रास अलंकार क्या होता है उसमें एक ही वर्ण बार बार आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं जैसे रघुपति राघव राजा राम इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है राम के बारे में ज्यादा वर्णन आ रहा है राम के बारे में ज्यादा रघुपति राघव राजा राम कौन सा वर्ण है वर्ण मतलब जैसे को खो चो चो व्यंजन जो अर्थालंकार के बेटा आपके कोर्स में 5 है वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन आपके उसमें सिर्फ 5 है वो मैं अभी पढ़ाऊंगी क्लास में अभी तो मैं सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए आई हूँ ठीक है ओके अनिका यमक बताना यमक बेटा फिर मैं तरुण ध्यान दीजिएगा मैं पूछूंगी तुरंत आपसे यस अनिका बोलो बेटा अनम्यूट करो मैम जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ है, उसे यमक अलंकार कहते हैं उसे यमक अलंकार कहते हैं लेकिन उसका बेटा उदाहरण विद उदाहरण है ना आपको पता है कि हमने उदाहरण के सहित देना है काली घटा का घमंड घटा ओके समझाइए उसे कैसे काली घटा है वो बादल का उसका मतलब बादल है और घमंड घटा में जो घटा है उसका मतलब कम होना है कम होना है वेरी गुड कोई और बच्चे ने किसी ने पूछना है यमक में सारे बच्चों को किसी को डाउट है यमक में वेरी नाइस मैम मुझे हाँ, बोलो तरुण मैम जैसे कि इस अभी इसने बोल अभी इन्होंने बोला जब एक शब्द बार बार आता है तो उसे यमक यमक अलंकार कहते हैं यमक का अर्थ ही होता है रिपीट करना यमक का अर्थ होता है रिपीटेशन रिपीट होना हाँ हाँ बोलो तो मैम जो काली घटा का घमंड का घमंड घटा 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 नहीं बेटा घटा काली घटा का घमंड घटा घटा नहीं है लिखो उसे नोट करो काली घटा का घमंड घटा नोट करिए अरुण लिख के देखो बच्चे हाँ मैं लिख रहा हूँ हाँ काली घटा का घमंड घटा था ना लिखा आपने तो यहाँ पर दो शब्द कौन से आ रहे हैं देखो एक ही एक एक सकल सूरत के दो शब्द कौन से आए एक घटा हो गया और एक घमंड हो गया कुछ कंफ्यूजन है घमंड अच्छा तरुण कुछ और एक बार फिर से देखो बेटा कहीं मतलब घौ से मैं ये नहीं कह रही हूँ सेम मैं वर्ण की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर देखो अनुप्रास में वर्ण आते हैं और यमक में शब्द आता है शब्द और वर्ण में अंतर है जैसे चौक एक वर्ण हो गया भाषा की सबसे छोटी इकाई जबकि मैंने तरुण बोला तो तरुण एक शब्द हो गया पूरा ठीक है तो यमक में क्या है बेटा कि यमक में एक ही शब्द बार बार आता है एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग होता है तो यहाँ एक से दिखने वाले शब्द आए हैं एक से अधिक बार आ रहा कोई शब्द वो तो वर्ण हो गया बेटा वो तो वर्ण हुआ ना देखिए ध्यान दीजिएगा काली घटा का घमंड घटा तो कौन सा शब्द बार बार आ रहा है एक से अधिक बार रिपीट हुआ है नहीं मिल रहा अच्छा चलिए कोई बात नहीं बेटा इसमें देखिए मैंने बोला था उस अनिका ने भी बोला था काली घटा घटा बोलना था का घमंड घटा तो घटा शब्द दो बार आया है देखिए एक सा दिखने वाला घटा शब्द दो बार आया है तो पहली घटा काली घटा यानी बादल पहली घटा का अर्थ बादल के संदर्भ में आ रहा है घटा बादल को भी कहते हैं ठीक है दूसरी काली घटा का घमंड घटा दूसरी बार घटा आया है तो कम होना यानी घटा का घमंड जो है वो कम हो गया तो पहला अर्थ था काली घटा यानी बादल और दूसरा कम होना कहते ना घट गया घटना ठीक है तो यमक में ये होता है बेटा कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा हर बार उसका अर्थ चेंज होगा
मैम यस श्रेयस यस बोलो बेटा, मैं आपने क्या लिखा मैं एकदम से देख नहीं पाई हूँ। श्रेयस आचार्य मैम छंद की काउंटिंग कैसे करते हैं? छंद की काउंटिंग, छंद की बेटा हर छंद की काउंटिंग अलग अलग है ठीक है। दोहा अलग जैसे वार्णिक और मात्रिक छंद होते हैं ना अलग ही, आप तो है नहीं आप लोग सिलेबस में, वो तो जस्ट आपको बताने के लिए बताया था कि क्या होता है दोहा किसे कहते हैं। वर्णिक और मात्रिक छंद होते हैं, तो दोहा चौपाई सोरठा ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मतलब आपने छोटी क्लास में वो पढ़े होंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पढ़े। यस मैम है ना, जैसे अ है तो ह्रस्व स्वर हो गया, आ है तो दीर्घ स्वर हो गया है ना। यस मैम ठीक। तो बेटा मात्रिक छंद में क्या होता है यानी दोहा और चौपाई को हम कैसे गिनेंगे, दोहा चौपाई और सोरठा को कि मात्रिक छंदों में गिनेंगे। अब मात्रिक जैसे गुरु गोविंद दो खड़े आके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए, दोहा छंद है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है जहां पर हस्व आता है यानी जहां हस्व स्वर तो पहचानते हो ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्लेयर्स मैम मुझसे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। ओके श्रेयस हाँ जी मैम हस्वर मुझसे 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 पहचान जाते थे इससे हस्वर। एक मिनट तरुण अभी आपसे बात करती हूँ, पहले मैं श्रेयस की बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपके पास आ रही हूँ। यस बेटा श्रेयस यस मैम मैम कर दी ठीक है। तो हस्व में क्या होगा कि जो हस्व स्वर होगा उसकी एक मात्रा काउंट होगी, जैसे आप पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हो ना तो वो हस्व की एक मात्रा काउंट होती है ठीक। अब जैसे एस इंग्लिश का एस बनाते हो उसे गुरु कहा जाता है छंदों को गिनते समय, जो जो पूर्ण विराम की तरह है उसे लघु कहा जाता है, और जो एस की तरह बनता है एस बना के उसे गुरु कहा जाता है। मात्रिक छंद में इसका प्रयोग होता है, तो जहां हस्व स्वर होगा वह हम लघु काउंट करेंगे, लघु मतलब एक मात्रा काउंट होगी ठीक। अब जैसे गुरु मैंने कहा गुरु, तो गुरु में क्या हो जाएगा छोटी ऊ की मात्रा है तो हस्व स्वरों का एक मात्रा काउंट होगी गुरु। फिर रू में उसमें भी किस किस की मात्रा होगी, बड़े ऊ की या छोटे ऊ की या सनिका बड़े ऊ की, दो मात्राएं काउंट हो जाएंगी ठीक है। गुरु थोड़ी क्या होता है गुरु होता है ना बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो वहां पर एस वाला साइन काउंट होगा तो दो मात्राएं हो जाएंगी इस तरह से। हाँ जी बोलिए बेटा। फिर मैम आपने बोला था कि मैम इक्वल होता है कुछ दो लाइनों का। हाँ उसमें क्या होता है ना बेटा, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े ये पहला चरण हो गया खड़े तक पहला चरण, इसे पहला चरण कहा जाता है। काके लागू पाए ये दूसरा चरण हो गया, पहले आप मेरी बात ये समझिए ठीक है। काके लागू पाए दूसरा चरण हो गया, बलिहारी गुरु आपने तीसरा चरण हो गया, बलिहारी गुरु आपने आपने तक तीसरा चरण हो गया। गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए चौथा चरण हो गया। अब दोहा छंद में क्या होता है, आप आपके उसमें कबीर के दोहे हैं उसमें भी आप काउंट कर सकते हो, पहला और तीसरे में बराबर मात्राएं होंगी, इक्वल मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में इक्वल मात्राएं होंगी ठीक है श्रेयस। यस मैम समझ में आया, जैसे 11 और कितने का होता है अनिका, दोहा हमने बताया था लिखवाया था बेटा मैंने 13 तो पहले चरण में कितनी होती है दोहे में 13। ओके किस बच्चे को याद है पहले चरण में कितनी होती है दोहे में 11 और 13 टोटल 24 11 और 13 पहले में 11 नहीं पहले चरण में कितनी होती है मैं ये पूछ रही थी 24 पहले चरण 11 तो उसके बाद तीसरे में भी कितनी होंगी 11 तीसरे में 14 है तो तीसरे में भी कितनी हो जाएंगे चौथे में भी कितनी हो जाएंगी 14 तब वो दोहा छंद है ठीक है। चौपाई में 16 मात्राओं का होता है 16 वर्ण आते हैं मात्राएं गिनी जाती है एक चरण में 16 होती है चौपाई में ठीक। और सोरठा दोहे का उल्टा हो जाता है, दोहे में अगर पहले चरण में
ग्यारह और तीसरे में ग्यारह है तो चौथे में और दूसरे में तेरह तेरह है तो सोठा बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है श्रेयस समझ में आया? Yes, ma'am. पीपीटी बना के दिखाऊंगी बेटा, इसको पीपीटी में दिखाऊंगी। दूसरा वर्णिक छंद होता है जो हमने सवैया पढ़ा था, तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वहां पर लघु और गुरु से कोई मतलब नहीं होता, वहां हम सिर्फ वर्णों को काउंट करते हैं। जैसे वर्ण लिखे है ना, जैसे था मानुष हो तो वही रस खान, तो एक पंक्ति में कितने वर्ण आ रहे हैं वो हम काउंट करते हैं, उसे सवैया छंद का, उसे मतलब वर्णिक छंद। मात्रा को नहीं गिना जाता उसमें, उसमें मात्रा को नहीं गिनते बेटा। वर्णिक छंद में वर्णिक का मतलब होता है वर्णों को गिनना, और दोहा चौपाई सोठा जो है वो मात्रिक छंद है, वहां मात्राएं गिनती। क्लियर श्रेयस? ओके मैम। ओके यस मैम। बाकी बच्चे किसको क्या पूछना था बोलिए। एक बच्चा बहुव्रीहि समास के बारे में पूछ रहा था, कौन बच्चा था? संध्या थी, आज्ञा थी। संध्या आप पूछ रहे थे, कौन बच्चा पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था। ओके चलिए मैं आप ही लोगों से स्टार्ट करती हूँ। समर्थ श्रीवास्तव बेटा किसे कहते हैं समास? समर्थ श्रीवास्तव समास किसे कहते हैं? ओके समर्थ नहीं बोल रहा है। ओके ये सूरज मौर्य समास किसे कहते हैं बेटा? सूरज मौर्य समास किससे कहते हैं? मैम कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मैम जो शब्द। आप वीडियो ऑन करिए सूरज मौर्य, मैं देख सकती हूं कौन है सूरज। चलिए सूरज को देखना तो बहुत जरूरी है बेटा, बिना सूरज के अंधेरा हो जाएगा। यस हम बिल्कुल अंधकार में घिर जाएंगे, इसलिए ऑन करिए वीडियो। सूरज सूरज ऑन योर वीडियो सूरज मौर्य। संध्या सेल्फ म्यूट। सूरज ओके चलिए कोई दो और पार्टिसिपेंट हैंड रेस कर रहे हैं, चलिए चेक करते हैं कौन बता रहा है। मैं आज तो इसी तरह पूछूंगी बेटा आप लोगों से। श्रेयस आप बताओ तो समास किसे कहते हैं? श्रेयस समास किसे कहते हैं? हाँ जी श्रेयस आचार्य और समास किसे कहते हैं बेटा? ऑन योर वीडियो मैम दोष। हाँ बोलिए श्रेयस बोलिए। मैम दो शब्दों को विच्छेद करते हैं उसे समास कहते हैं। आई थिंक श्रेयस ने क्लास अटेंड नहीं करी हमारी स्टार्टिंग। ओके सूरज सूरज मौर्य। यस मैम। ऑन योर वीडियो मैम दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ओके ओके सूरज बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास मैम बहुव्रीहि समास मैं इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ओके मैं इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ओके उदाहरण मैम जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उधर जिसका। ओके वेरी गुड तीसरा पद क्या बना बेटा? मैम नीलकंठ नीला है कंठ जिसका शिव। ओके पहले वाले में लंबोदर में कौन सा तीसरा पद बना? मैम लंबा। तो करेक्ट कौन करेगा, कौन बच्चा करेक्ट करेगा? बाकी चीजें ठीक है सूरज वेरी नाइस बाकी चीजें ठीक। हाँ बेटा संभव तीसरा पद क्या बना है इसमें? लंबोदर शब्द था और इन्होंने इसका तीसरा पद क्या बना? मैम गणेश जी। गणेश वेरी गुड। सो संध्या बहुव्रीहि समास वो होता है बेटा जहाँ दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है मैं उत्तर पद और पूर्व पद नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि उत्तर पद और पूर्व पद से आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ दो पद मिलकर एक पद है लंबा और दूसरा पद है उत्तर, तो
तो दोनों पद मिलकर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, रूढ़ अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो जैसे लंबा लंबो लंब और उदर शब्दों ने मिलकर लंबोदर शब्द बना और लंबोदर शब्द ने तीसरा शब्द बनाया, हम लंबोदर गणेश के लिए प्रयोग करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास। ठीक है संध्या, क्लियर? मैं दो पदों को मिल, हाँ तरुण बोलो। मैम दो पदों को मिलकर एक नया सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस नहीं बनता बेटा, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे हम उसे, एक नया पद बनता है, विशेष अर्थ में उसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे दशानन शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक बात आती है कि अरे दशानन रावण के लिए कहा जाता है। अगर शाब्दिक अर्थों में देखा जाए तो रावण से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूढ़ अर्थ अगर उसका देखा जाए तो दशानन रावण के लिए निकलता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर हम नीलकंठ कहते हैं तो हर बच्चे के मन में या तो नीलकंठ मोर के लिए आ जाएगा या नीलकंठ शिव के लिए आ जाएगा। ठीक है, जो तीसरा पद बना रहा विशेष अर्थ उसका प्रकट कर दो पदों को मिलकर क्या फिर से रिपीट कर सकते हैं? छोड़ दीजिए, देखिए तरुण नाइन्थ से डेफिनेशन का उतना महत्व नहीं होता, हमें डेफिनेशन लर्न नहीं करनी होती बेटा। ठीक है, बस उसको समझना है, डेफिनेशन परिभाषा ये होगी कि दो या दो से दो पदों के परस्पर मेल से जो तीसरा पद बनता है, दो पद मिलकर जब किसी तीसरे पद की का निर्माण करते हैं उसे समास बहुव्रीहि समास कहा जाता है। Yeah. दो पद कौन से होंगे? पहला पद लंबा जैसे लंबा उदर है तो पहला लंबा शब्द हुआ पद हुआ, दूसरा उदर हो गया। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा पद बना वो गणेश के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे तो लंबा शाब्दिक अर्थ लंबे के लिए आ गया, उदर मतलब पेट होता है। ठीक है, ओके चलिए, और कोई बच्चा? नेक्स्ट अदर स्टूडेंट। मैम आपने एक उपमा उपमेन कराया था, मैम वो समझ नहीं आया। हाँ उपमा मैंने बताया ही नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था पहले आप उपमा अलंकार को समझिए उसके बाद में। उसमें उपमा अलंकार में क्या होता है बेटा, चार चीजें होती है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। ठीक, तो वो मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पहले आप उसके बेसिक चीज सीख लो, उसके बाद बताऊंगी कि उपमेय उपमान क्या होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक क्या होता है, मैंने छोड़ रखा है अभी उसको। ठीक है, उपमा अलंकार समझ में आ गया था आप लोगों की? यस, और कुछ चीज बेटा बोलिए। सांभव आपका एक चैप्टर छूटा था, आपको आ गया समझ में लिहासा की ओर? यस मैम। क्लियर हो गया बेटा? ओके, कोई डाउट है उसमें? मैं मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ बोलो तरुण, थोड़ा पढ़ा भी करो बेटा। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। देखता है तो भी वो मिस कैसा रहता होगा वहाँ पे, कैसे स्थिति होगी उसकी? मैम तो बताई थी ना कि जो यात्रा कर रहे हैं रास्ते में जो है रास्ता खतरनाक है, जब वहां पर पहुंच गए तो इसीलिए वो सुमति को साथ ले गए थे क्योंकि सुमति के परिचित है, तो सुमति को जानने वालों के कारण उनको लिए वहां पर रहना बहुत कठिन नहीं था। ठीक है, कहीं ना कहीं रहने का आश्रय मिल गया। ठीक, और दूसरा चीनी सैनिक थे नहीं, वहां कहा गया था कि पहले चीनी सैनिकों की चौकियां थी, जो कि चीनी सैनिकों के जाने के बाद वहां पर जो तिब्बत के जो किसान है वो लोग रहने लगे, किसानों का वहां पर बसेरा हो गया। ओके तरुण। यस मैम। अच्छा, किसानों का बसेरा होने लगा वहां पे। हाँ जी हाँ जी, यस यस। एनी अदर स्टूडेंट, बाकी बच्चे? हाँ। बेटा हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैम आप एक बार उपमा अलंकार फिर से समझा सकती हैं? हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल। ओके, पहले मैं इन लोगों से पूछूंगी, किसी भी बच्चे से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके उसमें वंदित उपमा किसे कहते हैं बेटा? वंदित आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, किसे कहते हैं उपमा? ओके, काजल
काजल त्रिपाठी। यस मैम। मैम पहले तो मैम उपमा का अर्थ होता है कि समानता दिखाना। ओके ऑन योर वीडियो बेटा, ऑन योर वीडियो काजल। लैपटॉप पे हूँ ना तो उसका वो कैमरा भी खराब है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, चलिए बोलिए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की स्वभाव या फिर स्थिति या रूप गुण की आदि की तुलना होती है। ओके वेरी गुड, वेरी नाइस। उदाहरण जैसे कि हाय फूल सी कोमल बच्ची। देरी। इसमें बच्ची की उपमा किससे दी है? मैम फूल सी। फूल से। वेरी गुड काजल, वेरी नाइस। विमान काजल ने बता दिया है लेकिन मैं दोबारा से बताऊंगी बेटा। उपमा अलंकार में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उससे अधिक गुण वाली वस्तु से की जाती है। ठीक है, समानता या तुलना उससे अधिक गुण वाली वस्तु या व्यक्ति से उसके की जाती है उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। ठीक अरुण वेट। हाँ हाँ जी विमान। हाँ बोलो बेटा। यस मैम आ गया। ठीक है, और उसको पहचानने के लिए मैंने कहा था कि बच्चे हर कविता की हर पंक्ति का अर्थ तो नहीं आ सकता, अभी आप शुरुआत कर रहे हो, प्रारंभ हो रहा है। उसमें बहुत सरल एक तरीका होता है कि सा से सी सम सरिस सदृश समान ये जुड़े होते हैं उसमें उपमा अलंकार में, ये लगे होते हैं ये शब्द समानता दिखाने के लिए। ठीक है यस। चलिए और कोई बच्चा किसी को कुछ पूछना है? यस चलिए मैं पूछती हूँ अगर आप लोग नहीं पूछ रहे तो। पहला दोहा था हमारा मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराई मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अन्नत न जाई। कौन बच्चा इसका अर्थ बताएगा? शाब्दिक अर्थ, सरल अर्थ। जल्दी से हैंड रेस करिए और कौन बता रहा है? सलोनी। ओके चलिए मैम इसमें सरल अर्थ बता रहे हैं कि मैम मानसरोवर स्वच्छ जल से भरा हुआ है, उसमें हंस कीड़ा कर रहे हैं, कीड़ा करते समय उन्हें हीरे की प्राप्ति होती है, मोती की बेटा, मोती मोती की प्राप्ति होती है। तो जब उन्हें मोती की प्राप्ति होती है तब वो उस मानसरोवर को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार जब नहीं एक ही अर्थ बताना है आपने। वेरी नाइस सलोनी, वेरी गुड। ओके एनी अदर स्टूडेंट इसका विशेष अर्थ जो कबीर कहना चाह रहे हैं जो यस इसका विशेष अर्थ है बेटा। दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक अर्थ होता है एक विशेष अर्थ होता है। यस ऋषभ राजपूत। ऋषभ इसका विशेष अर्थ क्या बताया था बेटा? ऋषभ राजपूत ओके। नमन कुमार, नमन। पार्थ, पार्थ सिंह ऑन योर वीडियो एंड टेल। पार्थ हम क्या? मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिए कराई मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई, इसका विशेष अर्थ क्या है बेटा? शाब्दिक अर्थ सलोनी बता चुकी है मैम। जब भी हम किसी माया में डल जाते तो उसे छोड़ते नहीं है, लेकिन भगवान ओके मुझे लग रहा पार्थ आजकल रिवाइज करना छोड़ दिया है। होमवर्क बहुत मिलता है, टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। ओके अच्छा होमवर्क ज्यादा हो गया, चलिए होमवर्क कम देंगे फिर आपसे। जपनूर आप बताइए तो। जपनूर सिंह, जसनदीप। ओके जशन, चलिए सरताज बताएंगे। सरताज आप बोलो बेटा का विशेष अर्थ क्या बताया था? ओके विशेष अरोरा आप बोलो बेटा, आप सब भूल रहे हो। और देखिए मैंने मैम कैनेटल। हाँ बेटा आप बोलो। मैम इसका विशेष अर्थ यह है कि जब इंसान व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उसकी भक्ति द्वारा तब वह संसार के मोह माया छोड़ के सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही रहता है। हाँ ओके वेरी गुड। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा इसे बताना चाहेगा? संभव आप बताना चाहोगे? मैम जब भक्त को सरोवर में मैम
मैम मनरूपी सरोवर में सद्विचारों द्वारा भक्ति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो मैम वो उसे छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। अब ईश्वर कहीं छोड़ के जाना नहीं चाहता। आपने एक दिन मुझसे पूछा भी था, उसमें कुछ ऐड भी किया था, ईश्वर को छोड़ के कहीं नहीं जाने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? हम उनकी भक्ति में लीन हो जाना। अब हर समय भजन तो नहीं गाएगा, लेकिन जो सांसारिक माया मोह है